हेलो गाइस, टॉकिंग द गर्ल में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं बठिंडा जंक्शन वर्सेस हिसार जंक्शन का। चलो कंपैरिजन शुरू करते हैं। हिसार जंक्शन का निर्माण 1873 ब्रिटिश राज में किया गया। ये रेलवे स्टेशन बीकानेर डिवीजन में पड़ता है और अगर हम इसकी जोन की बात करें, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में पड़ता है। और इसके ट्रैक की बात करें, ये एक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन रेलवे स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं बठिंडा जंक्शन की तरफ। बठिंडा जंक्शन का निर्माण 1884 ब्रिटिश राज में किया गया। ये रेलवे स्टेशन अम्बाला डिवीजन में पड़ता है और अगर हम इसकी जोन की बात करें तो ये नदर रेलवे जोन में पड़ता है। और इसके ट्रैक की बात कर लेते हैं तो ये डबल इलेक्ट्रिक लाइन रेलवे स्टेशन है। अब बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। नंबर वन, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन के पास नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 प्लेटफॉर्म है हिसार जंक्शन के पास। आगे बढ़ते हैं बठिंडा की तरफ। बठिंडा जंक्शन के पास नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म टोटल 7 प्लेटफॉर्म है बठिंडा जंक्शन के पास। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो ये पॉइंट सीधे सीधे बठिंडा जंक्शन के पास जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर दो की तरफ। नंबर टू, नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन पर नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स 51 यानी कि 51 ट्रेनों का हाल्ट है। और अगर हम बात करें बठिंडा जंक्शन की तो बठिंडा जंक्शन पर नंबर ऑफ हॉल्टिंग ट्रेन्स 87 यानी कि 87 ट्रेनें हाल्ट करती हैं बठिंडा जंक्शन पर। तो अगर हम पॉइंट की बात करें, यह पॉइंट सीधे सीधे बठिंडा जंक्शन के पास जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर तीन की तरफ। नंबर तीन, नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन से नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स 33 यानी कि 33 ट्रेनें बनकर चलती हैं हिसार जंक्शन से। और अगर हम बात करें बठिंडा की तो बठिंडा जंक्शन से नंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग ट्रेन्स 25 यानी कि 25 ट्रेनें बनकर चलती हैं बठिंडा जंक्शन से। तो ये पॉइंट सीधे सीधे हिसार जंक्शन के पास जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर चार की तरफ। नंबर चार, नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन से नंबर ऑफ टर्मिनेटिंग ट्रेन्स यानी कि जो वापस आती हैं वो 31 यानी कि 31 ट्रेनें वापस आती हैं। और अगर हम बात करें बठिंडा जंक्शन की तो बठिंडा जंक्शन से 25 ट्रेनें बनकर चलती हैं और 25 ही ट्रेनें वापस आती हैं यानी कि टर्मिनेटिंग करती हैं। तो ये पॉइंट भी सीधे सीधे हिसार जंक्शन के पास जाता है। नंबर पाँच की बात कर लेते हैं। ऑफिशियल स्टेशन रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन की आउट ऑफ 5 3.8 की ऑफिशियल स्टेशन रेटिंग है, जो कि अच्छी रेटिंग है। और अगर हम बात करें बठिंडा जंक्शन की तो बठिंडा जंक्शन की भी आउट ऑफ 5 3.8 की ऑफिशियल स्टेशन रेटिंग है। तो पॉइंट की बात कर लेते हैं तो ये पॉइंट दोनों को बराबर का जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6, फैसिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन पर गूगल का फ्री वाईफाई और रेल फूड दोनों ही अवेलेबल हैं इस रेलवे स्टेशन पर। और अगर हम बात करें बठिंडा जंक्शन की तो बठिंडा जंक्शन पर भी गूगल का फ्री वाईफाई और रेल फूड दोनों ही अवेलेबल हैं। तो अगर हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो ये पॉइंट भी दोनों को बराबर का जाता है। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट यानी कि 7 के पॉइंट की तरफ। नंबर ऑफ रेलवे रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हिसार जंक्शन से नंबर ऑफ रेलवे रूट्स जो निकलते हैं, ये टोटल 4 रेलवे रूट्स निकलते हैं। और अगर हम बठिंडा की बात करें, बठिंडा जंक्शन से नंबर ऑफ रेलवे रूट्स 6 रेलवे रूट्स निकलते हैं। तो इसी के साथ ही ये पॉइंट सीधे सीधे बठिंडा जंक्शन के पास जाता है। आगे बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स के बेस पे। तो इसी के साथ ही हिसार जंक्शन को 4 पॉइंट और बठिंडा जंक्शन को 5 पॉइंट मिलते हैं इस कंपैरिजन में। कंपैरिजन कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बता देना। और हाँ, आप लोग का फेवरेट चैनल टॉकिंग द गली से जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।